इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली में लगातार की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जमीयत की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक समुदाय विशेष के घरों को सरकार गिराने का काम कर रही है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये एकतरफा कार्रवाई हो रही है। तो जमीयत की याचिका पर आज सुनवाई होगी, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसमें याचिका में यह कहा गया है कि एकतरफा कार्रवाई की गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई पर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर लगाई है, उसमें कोर्ट से कई बिंदुओं पर विचार करने की गुहार लगाई गई है। इनमें कोर्ट से अपील की गई है कि बुलडोजर चलाने को किसी भी कार्रवाई से 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए, जबकि याचिका में एक रात पहले नोटिस देकर तोड़फोड़ करने की कार्रवाई को गलत माना गया है। जमीयत की याचिका में कार्रवाई से पहले आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई से सिर्फ एक पक्ष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट से बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर चौराहे पर लगाए हैं। सबसे पहले जिस अटाला इलाके से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी, उसी अटाला इलाके में पत्थरबाजों के पोस्टर लगाए गए हैं। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने वीडियो और सीसीटीवी के जरिए पहचान किए गए 59 पत्थरबाजों की फोटो जारी की थी। उसी फोटो से तैयार पोस्टर को शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाए। इसमें कई लोगों की अभी तक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो उपद्रवी हैं, वो वीडियो फुटेज जो था, सीसीटीवी था, और जो नामजदगी थी, उसके आधार पर उनके पोस्टर जारी किए जाएंगे। और एसएसपी ने आज सुबह ही कहा था, उसके बाद सोशल मीडिया पर फोटो जारी किए गए थे, और अब तमाम पुलिसकर्मी इसको लेकर पहुंच गए हैं और इस वक्त उसी चौराहे पर पहुंचे हैं जो अटाला चौराहा है, जहां से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं कि जो 59 लोगों की फोटो जारी की गई है, वो इस समय है, और पुलिसकर्मी इसको लेकर खुद यहां पर खड़े हुए हैं। और एसएसपी ने 3 मोबाइल नंबर जारी रखे हैं, और ये साफ तौर पर ताकीद की है कि इन नंबरों पर कोई भी इन फोटो में जो लोग दिख रहे हैं, उनके संदिग्धों के बारे में जानकारी दे सकता है, और उनका नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर गुप्त रखा जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 59 लोगों के पहले पार्ट में जो है वो फोटो जारी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जुवेनाइल हैं, कुछ बच्चे भी शामिल हैं जो कि हिंसा में शामिल थे। और पहले ही कहा जा रहा था कि इन बच्चों को गुमराह करके, ये बात कही गई थी कि इन बच्चों को गुमराह करके उनके जरिए जो है पत्थरबाजी कराई गई थी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पोस्टर अब इस तरह से जगह जगह चस्पा किए जा रहे हैं, ताकि लोग इनके बारे में जान सकें, और अगर वो इन्हें पहचानते हैं तो गुप्त रूप से जो 3 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, उन मोबाइल नंबरों पर इनके बारे में साफ तौर पर जानकारी दी जा सके, इसलिए ये यहाँ पर नंबर जारी किए गए हैं। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद से बवालियों पर लगातार एक्शन जारी है। प्रयागराज पुलिस ने अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 40 लोग अभी भी फरार बताए गए हैं। सभी फरार 40 लोगों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। सभी लोग अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो उन पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर 40 आरोपी अभी भी फरार हैं, और पुलिस ने साफ कह दिया है कि अगर आरोपी खुद से सरेंडर नहीं करते हैं तो कुर्की की तैयारी होगी। शहर में अलग अलग इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं, ताकि इन लोगों की जल्द से जल्द धरपकड़ हो सके। इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा, और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। इसलिए उनसे अपील है कि वो या तो पुलिस के सामने हाजिर हो जाएं या न्यायालय के समक्ष, वरना पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, और गिरफ्तारी न होने की दशा में आगे कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद में प्रशासन ने 3 जुलाई तक धारा 144 लगा दी है। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया है। प्रशासन ने एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी है। तो 3 जुलाई तक यहां पर धारा 144 लगाई गई है। एहतियातन प्रशासन ने ये फैसला किया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो।
3 जुलाई 1824 लगाई गई थी और इसके पीछे मंशा है कि पूरे जनपद की शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और इसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति के इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करना, अस्त्र लेकर के जाना या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका उल्लंघन करना, इस सबको सम्मिलित किया गया है और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो धारा 188 के तहत वो अपराध होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शरद।